स्विट्जरलैंड का शहर लुजान, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा फिर एक्शन में थे। नीरज ने डायमंड लीग के लुजान लेग में भाग लिया। नीरज यहां अपने पर्सनल बेस्ट के बहुत करीब आए लेकिन टॉप से दूर ही रह गए। उन्होंने 89.49 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ इवेंट में दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज ने सबसे पहले 82.10 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की। उनका दूसरा थ्रो 83.21 मीटर का रहा जबकि तीसरे प्रयास में उन्होंने 83.13 मीटर की दूरी तय की। तीन प्रयासों के बाद नीरज टॉप थ्री से बाहर थे। चौथे प्रयास में इन्होंने 82.34 मीटर का थ्रो किया, अभी भी वो नंबर चार पर ही थे। नीरज का पांचवा प्रयास 85.58 मीटर का रहा। इस थ्रो के साथ वो नंबर तीन पर आ गए। अपने आखिरी थ्रो से पहले भी नीरज नंबर तीन पर ही थे। जर्मन थ्रोअर यूलियन वेबर अपने आखिरी प्रयास में भाला बहुत दूर तक नहीं फेंक पाए। नीरज को वेबर से आगे आने के लिए भाला 87.08 मीटर से दूर फेंकना था और उन्होंने इस चैलेंज को पूरा भी किया। नीरज ने आखिरी प्रयास में पूरी ताकत झोंकी, भाला फेंका और चिर परिचित अंदाज में दहाड़े। इस दहाड़ के खत्म होने के बाद रिजल्ट आया तो पता चला कि भाला 89.49 मीटर दूर जा गिरा। ये नीरज का सीजन बेस्ट थ्रो भी रहा। उन्होंने पेरिस में 89.45 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता था। बता दें कि नीरज का पर्सनल बेस्ट 89.94 मीटर का है। बात बाकी थ्रोअर्स की करें तो ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 88.49 मीटर के थ्रो के साथ लुजान डायमंड लीग में ज्यादातर वक्त तक नंबर एक पर चल रहे थे। पेरिस ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पीटर्स ने पहले प्रयास में 86.36 मीटर तक भाला फेंका था जबकि दूसरे प्रयास में उन्होंने अपना बेस्ट दिया। तीसरे प्रयास में इन्होंने 87.40 मीटर का थ्रो किया। पीटर्स का चौथा प्रयास 86.59 जबकि पांचवा 82.22 मीटर का रहा। आखिरी प्रयास में पीटर्स ने मीट रिकॉर्ड बनाते हुए भाला 90.61 मीटर तक फेंक दिया। वो इस इवेंट के विजेता भी रहे। इवेंट में तीसरे नंबर पर जर्मनी के यूलियन वेबर रहे। वेबर ने 85.07 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की। दूसरे प्रयास में इन्होंने 87.08 मीटर का थ्रो फेंका, ये इनका बेस्ट भी रहा। तीसरे प्रयास में वेबर ने 83.13 मीटर का थ्रो किया जबकि इनका चौथा प्रयास फाउल रहा। पांचवे प्रयास में वेबर ने 80.47 मीटर तक भाला फेंका। आखिरी प्रयास में वेबर ने 82.33 का थ्रो फेंका। इवेंट में उतरे अन्य स्टार्स में चेक गणराज्य के याकूब वादलेच 82.03 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ नंबर सात पर रहे जबकि येगो यूलियर्स ने 83 मीटर के थ्रो के साथ नंबर छः पर कब्जा किया। अब आपको ये भी बताते हैं कि डायमंड लीग क्या है। ये एथलेटिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। इस कंपटीशन में साल में कुल 15 मीट्स होती हैं। पहली 14 मीट्स में एथलीट्स पॉइंट्स के लिए भिड़ते हैं। नंबर एक से आठ तक फिनिश करने वालों को 8 से लेकर 1 तक पॉइंट्स मिलते हैं और सारे मीट्स मिलाकर टॉप पर रहने वाले 6 से 10 एथलीट्स ब्रिजल्स में होने वाले डायमंड लीग फाइनल में भाग लेते हैं। फील्ड इवेंट्स में टॉप 6 एथलीट्स जबकि 100 से 800 मीटर में टॉप 8 और 1500 मीटर से लेकर लंबी दूरी की रेस में भाग लेने वाले टॉप 10 एथलीट्स फाइनल में उतरते हैं। फाइनल में पहुंचे सारे एथलीट्स ब्रिजल्स में होने वाले फाइनल में उतरते हैं जहां जीतने पर उन्हें डायमंड लीग चैंपियन घोषित किया जाता है। हर चैंपियन को डायमंड ट्रॉफी के साथ $30,000 अमेरिकी का इनाम भी मिलता है। नंबर दो वाले को 12,000, 3 को 7,000, 4 को 4,000, 5 को 2,500, 6 को 2,000, 7 को 1,500 और 8 को 1,000 अमेरिकी डॉलर्स मिलते हैं जबकि मीट्स में टॉप करने वाला एथलीट 10,000 अमेरिकी डॉलर ले जाता है। नंबर दो को 6,000, 3 को 3,500, 4 को 2,000, 5 को 1,250, 6 को 1,000, 7 को 750 और 8 को 500 अमेरिकी डॉलर्स दिए जाते हैं। डायमंड लीग में अब जैवलिन किस तरीके से होते हैं ये भी बताते हैं। इसके 4 इवेंट्स होते हैं। इस साल पहली बार ये दोहा में हुआ। दोहा डायमंड लीग में नीरज ने 88.36 मीटर के थ्रो के साथ नंबर दो पर फिनिश किया था जबकि याकूब 88.38 मीटर के साथ टॉप पर रहे थे। एंडरसन पीटर्स ने 86.62 मीटर के थ्रो के साथ नंबर तीन पर फिनिश किया। ओलंपिक से ठीक पहले पेरिस डायमंड लीग हुई, यहाँ नीरज नहीं खेले। पेरिस में 85.91 मीटर के थ्रो के साथ यूलियन वेबर ने टॉप किया। एंडरसन पीटर्स 85.19 मीटर्स के थ्रो के साथ नंबर दो पर रहे जबकि वादलेच ने 85.04 मीटर के साथ नंबर तीन पर फिनिश किया। नंबर चार पर पाकिस्तान के अरशद नदीम रहे थे, इन्होंने 84.21 मीटर का थ्रो किया। 3 इवेंट्स के बाद ओवरऑल रैंकिंग्स में एंडरसन पीटर्स टॉप पर है।
वेबर नंबर दो पर जबकि नीरज नंबर तीन पर हैं। पीटर्स के कुल 21 जबकि वेबर और नीरज के नाम 14-14 पॉइंट्स हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।